तीन स्टॉक का क्वेश्चन आया है, जीवित्या पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डायमंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाज फाइनेंस, तीनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बजाज फाइनेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, दूसरी दोनों कंपनियों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। डिस्क्लेमर रहेगा, जो भी मैं इस वीडियो में रिसर्च शेयर करूंगा वो पर्सनल सोच और रिसर्च के हिसाब से शेयर करूंगा, बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से फाइनेंस एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन ले। तो सबसे पहले डायमंड पावर, दोनों कंपनी इंसोलेशन प्रोसीजर में फंसी हुई है, तो जो भी कंपनी डेप में फंसी हुई होती है वो जब भी इसका सॉल्यूशन आता है, कोई भी दूसरी कंपनी बाय करती है तो कौन कौन सी कंडीशन बाय करती है ये सब देख के डिसीजन लेना पड़ता है, या तो बिना इनसाइडर न्यूज़ के, या तो ये न्यूज़ आपको पता चल जाए ऑन द स्पॉट, या तो टेक्निकल ट्रेड कर रहे हो, तो इन तीनों में से आपको कहीं पे पता चल सकता है। बाकी ऐसा इस तरह लेट हो सकता है, जैसे मुझे भी नहीं पता चला है कि यह कंपनी कब वो हो गई, क्योंकि जब तक हमें कोई कंपनी के बारे में हम कंटिन्यूसली वॉच नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो डायमंड पावर कंपनी जो है 2017 में इसके रिजल्ट सभी आना बंद हो गए थे, कंपनी डेट में फंस चुकी थी। इस साल कंपनी के रिजल्ट वापस आना चालू हुए, कभी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं आई है। तो रिसेंट रिजल्ट में देखे तो 200 करोड़ का सेल्स है, कंपनी का इंटरेस्ट अभी 3 करोड़ का भर रही है, तो ओवरऑल कंपनी थोड़ा सा सॉल्यूशन हो गया वैसा लग रहा है। लेकिन ऑलरेडी जो प्राइस में होना है वो हो चुका है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप 7,000+ करोड़ हो चुकी है, अभी साल में कंपनी को 800 करोड़ का सेल्स हो सकता है। ऑलरेडी जो होना है वो डायमंड पावर में ऑलरेडी हो चुका है, तो अब करना है वो अब शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेड के हिसाब से ही कर सकते हैं, 1 आवर 200 MA के हिसाब से, बाकी जो होना है वो ऑलरेडी डायमंड पावर में हो चुका है। अब दूसरी कंपनी जीवी के पावर के बारे में बात करें, तो जीवी के पावर जब 8-9 रुपीज पर था तब मैंने हीरो और जीरो के हिसाब से आपको दिया हुआ था 16 रुपीज के टारगेट के लिए, जो मेरे ख्याल से अचीव भी हो चुका है। और उसके बाद जब वापस ये 9 रुपीज पर आया तब मैंने ग्रुप में अपडेट की थी, इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में एक चला गया है और ये कंपनी वापस 2-3 रुपये तक आ सकती है, तो वैसा मैंने आपको आगाह किया था और वैसा हुआ भी है। तो अभी कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में चल रही है, अभी 700 करोड़ की मार्केट कैप है, 4 रुपीज के आसपास चल रहे, तो ये कंपनी को हीरो और जीरो की तरह ही देख सकते हो, तो जैसा डायमंड पावर में हुआ है इसका सॉल्यूशन उस तरह से होता है तो आगे जाके इसका कुछ अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 100 में से 2 कंपनियां ही सक्सेस जाती है, तो ऐसा नहीं जब सोचे समझे कि डायमंड पावर सक्सेस हुई है तो ये भी सक्सेस हो सकती है, ये कंपनी फेल भी हो सकती है सक्सेस भी हो सकती है, हालांकि इसके थोड़े बहुत चांसेस है कि सक्सेस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो मैं हीरो और जीरो की तरह ही जीवी के पावर को बात करूंगा, बाकी कोई ज़्यादा खास बातें करने के लिए है नहीं जीवी के पावर में। हालांकि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छा है, तो टोटल बोरिंग्स 4,500 करोड़ है, तो अभी तो कंपनी फंसी हुई है तो बता नहीं सकते, अभी हीरो और जीरो तरह ही मान सकते हो। आगे जाके कंपनी का अभी सेल्स है पूरे साल में 1,000 करोड़ है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो वो भी कोई प्रेडिक्ट करने लायक है नहीं, तो हीरो और जीरो तरह ही देखिए अगर आप इंटरेस्ट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी उतना कोई ज़्यादा खास बात करने लायक है नहीं। तो दूसरे बजाज फाइनेंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं, दूसरे वीडियो में ही बजाज फाइनेंस को लेके मैं आता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।